नमस्कार, आप सबका स्वागत है। दामिनी फिल्म में सन्नी देओल के डायलॉग हों या फिर दबंग का कैरेक्टर चुलबुल पांडे, इनको जो पहचान मिली है उसके पीछे प्रख्यात पटकथा लेखक श्री दिलीप शुक्ला जी की लेखनी का कमाल है। सुप्रसिद्ध फिल्म लेखक दिलीप शुक्ला जी पिछले 3 दशक से फिल्मों में कहानी, पटकथा और संवाद लिख रहे हैं। उनकी लेखनी के रंग बहुत गाढ़े हैं और तरह तरह के रंग उनके पास हैं। आपने घायल, दामिनी, अंदाज अपना अपना, मोहरा, जिद्दी और दबंग जैसी फिल्में लिखी हैं। विश्व स्तर पर सराही गई फिल्म बच्चों के लिए गट्टू भी आपने लिखी है। तो इस संवाद कार्यक्रम में हम दिलीप जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और आज उनसे बात करेंगे। धन्यवाद सर। आप किशोर अवस्था में, जैसा मुझे मालूम है, 17 वर्ष की आयु में आप मुंबई चले गए थे। मुंबई में गए, वहाँ आपने थिएटर भी बनाया अपना, उसके माध्यम से काम करना शुरू किया, एक लंबा संघर्ष भी आपने देखा। उसके बाद फिर आपके हिस्से में सफलताएं या कहें खुशियां, उपलब्धियां आना प्रारंभ हुई। तो आप अपनी यात्रा को किस तरह देखते हैं और उससे कैसे लोग सीख सकते हैं, तो थोड़ा अपनी इस यात्रा के बारे में संक्षिप्त में अपने ही अंदाज से थोड़ा बताइएगा। हाँ, नहीं, ये सच है कि बहुत छोटा था, 17 साल ही एज थी हमारी। तो ये इंटरेस्टिंग यात्रा इसलिए हो जाती है कि 17 साल की अवस्था ना कोई ऐसी अवस्था नहीं होती कि बच्चा पूरा समझ ले कि वो क्या कर रहा है या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर उड़ तो जाएंगे बट गिरेंगे कहाँ ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जिस तरह का निर्णय था, कच्चा पक्का समझ का निर्णय था और कच्चे पक्के समझ के निर्णय से ये हो गया। सोच समझ की तो ना होता, थोड़ी एज बढ़ती तो भी ना होता। एक तरह से ये अच्छा हुआ, मतलब मैं देखूँ इसलिए अच्छा हुआ कि वो 25-26 के बाद जब वो अब तर्क वितर्क में हम जाते हैं और थोड़ा देखते हैं कि कठिनाइयाँ भी पहले से सोचने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं कि कैसे क्या होगा। लेकिन उस एज तक मैं कहीं पहुंच गया था जहां बहुत सारे प्रश्न आने शुरू होते हैं। लेकिन हाँ, ये भी एक ये था कि 17 साल की अवस्था में इस तरह का निर्णय ले लेना, ये एक गलत निर्णय भी था मेरा, जो मैं कभी अपने आने वाले जो बच्चे इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको कहता हूँ। मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाया था, मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया। और जब कोई बच्चा मेरे पास ऐसा आता है और मैं उससे पूछता हूँ तुमने कहाँ तक पढ़ाई की, तुम्हारा कैसे किया, और वो कहता है कि मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया, तो मैं उससे कहता हूँ कि नहीं, तुम्हें ग्रेजुएशन करना चाहिए। मतलब क्योंकि शिक्षा को भी एक पड़ाव तक पहुँचाना पहले ही आपकी ज़रूरत है ना। तो जो मेरे साथ तो घटना घट गई थी, बट कुछ लोग ऐसे प्रेरित हो जाते हैं कि यार दिलीप शुक्ला भी तो आए थे बिना ग्रेजुएशन किए, बिना स्नातक हुए। तो ये गलत संदेश मेरी तरफ से न लें आप, क्योंकि मुझे इस बात का पछतावा होता है कि मुझे करना चाहिए था स्नातक। सारा संघर्ष और सारी जो पीड़ा है और सारा दर्द जो है, ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है जब आप सफल होते हैं। तो सफलता की तरफ आप इस तरह से लगें, मान के लगें कि जितना दर्द आप पा रहे हैं, जो भी पा रहे हैं आप, वो सफल होने के बाद आपको इतना ब्याज के साथ आता है कि आप उसका आनंद लेते हैं। इसलिए लक्ष्य को, टारगेट को, सपनों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, उनके पीछे लगना चाहिए। मतलब मैं लगा। दूसरा मैं कहूँ कि अगर कोई काम समय लेता है होने में, कि आप कहते हैं हमें 3 साल हो गए इस काम को करते हुए और हमें अभी यहाँ जगह नहीं मिली, आप ये कहते हैं, तो मेरा मानना है कि 3 साल आप अगर प्रयास कर रहे हैं तो कम से कम आप एक ऐसी जगह पहुँचे हैं कि प्रयास भी आपके साथ जुड़ गए, अभी जिनमें अनुभव भी जुड़ गया आपके साथ, तो आपकी उपलब्धि है। अब उसे ऐसा ना माने कि 3 साल बेकार हो गए। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे अगर 7 साल के संघर्ष के बाद और मुझे अगर लिखने को घायल पहली फिल्म मिली और उसमें मेरे संवाद इतने सराहे गए और संवादों पे बात हुई, चर्चा हुई और अवार्ड मिला, तो ऐसा नहीं है कि मैं इतना सक्षम लेखक आया था बन के मुंबई में उतरा था जो आपने घायल में मुझे देखा। सक्षम तो मैंने संघर्ष में बना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि संघर्ष जो है ना, वो भी आपकी सफलता के साथ मजबूती से आपको सपोर्ट करता है। लिखने से एक बात देखने में आती है, आजकल आपके जो संवाद हैं, आपने जो संवाद लिखे हैं, वो समाज से जोड़ते हैं, लोग से जोड़ते हैं और लोगों के बीच में इसलिए लोकप्रिय हो जाते हैं। लेकिन अभी कहानी कहने के अंदाज में कुछ समय में एक बदलाव सा दिख रहा है।
संवाद जो सिनेमा पे पर्दे पर नहीं बोले जाने चाहिए उनको भी स्थान उस ढंग से उनको बोला जा रहा है जो पहले नहीं था आपकी लेखनी में नहीं है। तो इस बदलाव को, कहानी कहने के इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये जो प्रश्न है ना, बहुत आज का मैं कहूँ बड़ा प्रश्न है ये ना। मनोरंजन की दुनिया से हम कहते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बॉलीवुड या जो भी कहें, यहाँ का बड़ा प्रश्न है। और सिर्फ संवादों में क्यों, आपके गानों में, हर जगह पे ये कहते हुए, एक्चुअल में क्या, ये जो बदलाव आया है, बदलाव में एक तो लोग ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि साधन बहुत हो गए हैं, डिजिटली सब हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं तो लोग ज़्यादा हो गए हैं। दूसरे से क्या हो गया है कि देखने वालों के पास भी बहुत सारा वेरिएशन हो गया है, बहुत सारा स्टॉक हो गया है, बहुत सारी दुकानें कहाँ कहाँ से क्या खाएं समझ में नहीं आ रहा है, जलेबी का फर्क मिट रहा है, ऐसा हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक पैसा कमाने वाला एक वर्ग आ गया है जो ये देखता है कि ये तो कहते हैं ना, ये तो ये रस्सी में 20 सांप निकल सकते हैं तो 20 सांप निकाल रहा है वो। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि रस्सी का बना सांप जाके गली में किसी को डसेगा, उसका विषय नहीं है। जल्दी पैसा अर्न करने की मानसिकता लिए कुछ लोग आ गए हैं जिसके बारे में मुझे पता नहीं है कि सरकार या सरकारी तंत्र या कोई विधान व्यवस्था उसके लिए उन कानूनी तरह से क्या रही, मुझे पता नहीं। लेकिन मेरा मोटा मोटा वजह यह है कि कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो कुछ भी करके मोटा पैसा कमाना चाहते हैं। फिर वो क्या करते हैं, ज़रूरतमंद जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे राइटर हैं, हमारे एक्टर हैं, लड़का हो लड़की हो किसी भी एज ग्रुप के लोगों को अपने उस चीज़ों में वो लोग जुड़ जाते हैं। तो एक धारा चल रही है इसमें, बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत हो रही हैं और नहीं होनी चाहिए। आजकल डिजिटल से बात निकलती है तो वो वेब सीरीज तक भी पहुंचती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसको हम कह रहे हैं। तो वेब सीरीज का जो कंटेंट है उसको लेकर के वाद विवाद बहुत हो रहा है और वेब सीरीज के कंटेंट पर कोई सेंसर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदली हुई हमको नजर आती है। तो इसका जो कंटेंट है वेब सीरीज का, उसके कंटेंट को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मत है इस पर? देखिए, वेब सीरीज का क्या हो गया कि वेब सीरीज ना सिनेमा का एक अल्टरनेट आया, सिनेमा का विकल्प आया। सिनेमा में क्या हो गया कि आप पैसा लगाते हैं, फिल्म बनाते हैं तो उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, फिल्म का वितरक चाहिए जो फिल्म को रिलीज करे। वेब सीरीज में क्या, पैसा आप लगाइए उतनी पैसे की आपको सुरक्षा दिखती है, अगर आपने 2 रुपये खर्च किए हैं तो 2.5 आपको सामने से मिल रहे हैं। तो ज़्यादा आदमी पैसा लगाने आ गया है। अब पैसा लगाने वाला आदमी आया तो पैसे के लिए आया है, यहाँ भी पैसा आ जाता है तो उसको पैसे का पैसा चाहिए, तो क्या एक खेल जैसा बन गया कहते हुए। तो दूसरी बात यह है कि रचनात्मक जो पहले लोग थे वो एक रचनात्मक जिम्मेदारी थोड़ा समझते थे, अब ऐसा नहीं है। अब तो ऐसा एक दौड़ है और कहते हैं कि एक लूट चाहिए, जितना लूट लो, जल्दी कर लो। लेकिन इससे एक बड़ा नुकसान हो रहा है कि हमारी जो नई जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं जो इस दिशा में आगे काम करना चाहते हैं, उनको ये माहौल बहुत नुकसान पहुँचाएगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप दिए की बात करने चलते हैं और आपको लगातार निराशा मिलती है, लेकिन आप तेजाब की बात करते हैं और आपका लोग हाथ पकड़ लेते हैं और आके आपके पीछे खड़े हो जाते हैं, तो आदमी सोचेगा तेजाब की बात ही करते हैं, क्यों दिए की बात करें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही, ये जो वेब सीरीज की जो एक तरह की जो धारा और आंधी है, ये कैसे इस पर नियंत्रण हो, कंटेंट पर कैसे नियंत्रण हो और कैसे इस विचारधारा को विस्तारित होने में किस तरह से रोका जाए, ये बड़ी प्राथमिकता है। और मुझे पता नहीं होगा कैसे, मुझे पता नहीं, बट ये होना तो चाहिए जी। एक बात और देखने में आती है जो आजकल विमर्श का हिस्सा भी है, चर्चा का हिस्सा भी है, कि सिनेमा के माध्यम से बॉलीवुड में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक नैरेटिव को एस्टेब्लिश करने के प्रयास किए। उस नैरेटिव में उन्होंने भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, मूल्यों को एक गलत ढंग से, आपत्तिजनक ढंग से लगातार चित्रित किया, जिसमें देवी देवताओं के चित्रण की बात हो या फिर हिंदू कम्युनिटी से संबंधित लोग, जैसे लाला को हमेशा लोभी लालची दिखाया, ठाकुर को हमेशा अत्याचारी दिखाया, मंदिर के पंडे पुजारी उसको हमेशा जो है दुष्कर्मी या इस तरह का बुरी प्रवृत्ति वाला दिखाया। इसके साथ साथ जो है ट्राइबल्स, उनको भी या तो दिखाया हुलाला कर रहे हैं या फिर वो जो है उनको अनसिविलाइज दिखाया, यानी असभ्य जैसा दिखाया। और ये जो दिखाने की चलन था, ये जो चलन है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समाज में इस वर्ग की, इस संस्कृति से जुड़े प्रतीकों की ऐसा धारणा बनी भी है, लोग वैसे उसको देखते भी हैं। तो ये जो परंपरा या ये जो लोग कर रहे हैं या ये जो चलन है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों से बढ़ा है ये।
पहले की फिल्मों क्या होता था कि इतना थोड़ा सा हम रंग राइटरों ने पकड़ा है जो ठीक ठाक ही रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा लगता है कि जैसे कोई खास लोग हैं जो इसको एक तरह से प्लान करके और सुनियोजित करके ऐसा कुछ कर रहे हैं। क्योंकि एक होता है, देखिए एक होता है कि हम किसी कहानी में किसी एक चरित्र को जो किसी भी मजहब किसी भी धर्म का हो और उसे थोड़ा अच्छा बुरा दिखाते हैं, लेकिन फाइनली हम कहानी का आखिरी धर्म क्या होता है, बुरे को बुरा कहना अच्छा को अच्छा कहना। अभी हमारे थोड़े दिनों से ये कोई खास तरह की प्रजाति कहें हम और समुदाय कहें या वर्ग कहें जो आया हुआ इस तरह के कंटेंट लिख भी रहा है, इस तरह के कंटेंट जो है बन भी रहे हैं, इस तरह के कंटेंट OTT में प्रमोट भी हो रहे हैं, डिमांड और सप्लाई का खेल जैसा चल रहा है। और अभी जो ज़्यादा हुआ है, जैसे अभी पिछले दिनों एक वेब सीरीज आई है, मैं अभी क्या कहूँ, मतलब कहते हुए मुझे कहना पड़ेगा, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, प्रकाश झा एक ऐसे निर्देशक और लेखक हैं जिन्होंने जिनके सिनेमा को मैंने हमेशा ऑनर किया है, और हिप्पी फुर्रे फिल्म उनकी बहुत ही रिदमिक फिल्म और यूथ के लिए उस वक्त में बहुत ही मॉडर्न फिल्म थी वो, और उन्होंने उसके आगे भी जो काम किया है, विचारधारा के साथ काम किया है, और वो अभी उन्होंने आश्रम में काम किया। मुझे दुख है इस बात का कि देखिए क्या है कि बहुत सारे विषय हमें सिर्फ अपने बाजार में खड़े करने के लिए नहीं होते हैं, वो इस बात को समझते हैं आश्रम शब्द का मतलब क्या है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी चरित्र ने आश्रम जैसा एक ढांचा खड़ा करके और वहाँ पर कुछ झंडों के रंग खड़ा करके वहाँ बैठ के कोई कार्य कर रहा है तो आप उसे आश्रम नहीं कह सकते, पहले तो समझना आपको ही पड़ेगा। तो आप थे श्री दिलीप शुक्ला जी, आपने उनको सुना, और फिर हम किसी एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।